डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। आज हम लोग जो है हैमर ब्लो या बेसिकली डायनामिक्स ऑफ मशीन का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और दूसरा कि बैलेंसिंग का टॉपिक है, बैलेंसिंग थ्योरी ऑफ मशीन का पार्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हैमर ब्लो यदि आपने लाइफ में कभी ट्रेन पर बैठा हो, बैठे होंगे, बोलिए सर कैसी बात करते हैं, हम लोग तो बराबर बैठते हैं, तो इसका अनुभव आपको मिला होगा। जो आज हम ये फील करने की जो है फीलिंग कराने की कोशिश करेंगे आपको कि कैसे हैमर ब्लो होता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप यदि लोकोमोटिव, ये अब आता है कहाँ पे कॉन्सेप्ट, तो लोकोमोटिव यदि थ्योरी ऑफ मशीन की बात करें तो ये हमारा है लोकोमोटिव के अंदर, ठीक है ना। तो एक बार लोकोमोटिव इंजन जो है आप यदि देखें, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि देखिए ये लोकोमोटिव इंजन है, दैट यू कैन सी, ठीक है। और ये जो व्हील है, तो हमने अभी पिछले लेक्चर में बताया है आपको, क्या बताया है कि एक ट्रैक्टिव फोर्स हमने बताया था, ठीक है ना, ये अभी हम आपको बताएंगे, और अभी हम पहले उसको बता दें तब इसमें आएंगे अभी, ठीक है। एक बार और आपको ये दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले सबसे पहले ये लोकोमोटिव में ये तो पार्शियल बैलेंसिंग हम लोग देखे थे, और अलोंग दी लाइन ऑफ स्ट्रोक ये हम लोग देखे थे कि जब आप इसका फोर्स निकालेंगे, एक तो लोकोमोटिव में आपको बताया था हमने ये कॉन्सेप्ट, दूसरा जो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था ट्रैक्टिव फोर्स का, कि जब इस इंजन में देखिए यहाँ पे अनबैलेंस्ड मास है, ये बैलेंस्ड मास है, और इस दोनों का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आपने ब्रेकआउट किया था, तो ये हमने देखा था कि फुल बैलेंस तो होता नहीं है, कभी नहीं, तो इसीलिए हम लोग पार्शियल बैलेंसिंग पढ़े थे। और पार्शियल बैलेंसिंग दैट मीन्स कि अनबैलेंस्ड फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द टू क्रैंक, मतलब देखिए यहाँ पे दो क्रैंक होते हैं, एक और दो, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, टू क्रैंक अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज कॉल्ड ट्रैक्टिव फोर्स। और यही ट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना, क्या होते हैं कि जब आप टॉप व्यू में देखेंगे तो ये इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होता है, मतलब इट मीन्स कि सेंटर लाइन से ये कुछ डिस्टेंस पे होगा, तो दोनों के बीच यदि ए डिस्टेंस है तो ये थीटा पे है, तो ये 90 प्लस थीटा पे, और ये हमारा पार्शियल जो है अनबैलेंस्ड फोर्स था, ठीक है। तो ये स्विंग कपल भी जनरेट कर रहा था, स्विंग कपल का भी पढ़ लिए थे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझना है अपने को, सिर्फ यहाँ पे हैमर ब्लो में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये यदि हमारा व्हील है, ये क्या है, हमारा व्हील है, ठीक है। अब ये व्हील पे, ठीक है ना, एक जो है बैलेंस्ड मास है, ठीक है ना, ये आपका व्हील रोटेट कर रहा है ओमेगा स्पीड से, ठीक है ना, और ये जो रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, तो जो वर्टिकल फोर्स आपका हमने जो ब्रेक किया था, जो हमने आपको बताया था कि ये जो वर्टिकल फोर्स है ये तो बी ओमेगा स्क्वायर बी, इसका एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, तो ये वर्टिकल यहाँ भी होगा और कभी ऊपर भी जाएगा, समझिएगा अच्छे से, ये नीचे भी आएगा और ऊपर भी जाएगा। तो ये जब नीचे आएगा, ठीक है ना, नीचे जब आएगा तो ये रेल, ये मान लीजिए व्हील है, तो जब ये वर्टिकल फोर्स नीचे आएगा दोस्त, ये जब नीचे आएगा, ठीक है ना, ये ऐसे नीचे आएगा तो ये क्या होगा, रेल के ऊपर प्रेशर लगाएगा। रेल मतलब किस पे, पटरी, ठीक है ना, शुद्ध हिंदी में, तो ये पटरी जो है पटरी के ऊपर क्या प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ये पॉइंट यहाँ कॉन्स्टेंट तो रहेगा नहीं ना, ये तो ऊपर भी तो जाएगा क्योंकि ये तो रोटेट हो रहा है, तो जब ऊपर जाएगा तो ऊपर भी तो वर्टिकल फोर्स लगाएगा, और जब ये ऊपर लगाएगा दोस्त, ये ऊपर ये जो वर्टिकल फोर्स लगाएगा, ये फोर्स कितना लग रहा है आपका, बी ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा। ये जो है एक बार नीचे जब लगेगा तो रेल के ऊपर प्रेशर लगाएगा, और जब ये ऊपर लगेगा डायरेक्शन, जब ये यहाँ जाएगा तो ये क्या होगा, रेल के पटरी को छोड़ करके ऊपर भागना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं, तो एक समय आएगा जब रेल के पटरी के ऊपर प्रेशर लगेगा, और एक समय आएगा जब ये अपलिफ्ट होने की कोशिश करेगा, ऊपर की ओर भागने की कोशिश करेगा, जिस समय रेल पे जीरो प्रेशर होगा। और ये सब होगा क्यों, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स हमारा यहाँ लग रहा है। और ये ट्रेन में यदि आप चलते होंगे तो यू विल हैव द फीलिंग कि यदि आपका सीट बर्थ जो है एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ व्हील है, तो आपको ऐसा कभी कभी फील होता होगा कि ये हैमर ब्लो नीचे हो रहा है। तो कई बार क्या है, कॉन्सेप्ट हम लोग अपने मन से लॉजिक लगा लेते हैं, लॉजिक क्या लगाते हैं कि
जो रेल होता है, तो दो रेल के बीच में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दो पटरी के बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं, और ये जो जगह छोड़ते हैं इसके चलते यहाँ पे व्हील टकराता है तो ये आवाज़ आ रहा है, इस तरह की नॉकिंग साउंड इसकी वजह से आ रही है। जबकि ऐसा नहीं है, वो किस तरह से आ रहा है, क्योंकि हैमर ब्लो की वजह से आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं हैमर ब्लो, कि ये जब नीचे आएगा तो हैमर ब्लो लगेगा, और जब ऊपर जाएगा तो ये नीचे प्रेशर लगाया, फिर ऊपर गया, नीचे प्रेशर लगाया, ऊपर गया। दैट मीन्स कि इसकी जो ऊपर नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत हाई है। ये क्या है? बहुत हाई है, और इसी को हम लोग बोलते हैं हैमर ब्लो। और अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा, यदि आप किसी बहुत अच्छे ट्रेन में जाएंगे तो हैमर ब्लो नहीं होगा, आप मेट्रो में जाएंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ अनबैलेंस्ड फोर्स मिनिमम है, एलिमिनेट कर दिया गया है, नहीं है अनबैलेंस्ड फोर्स, फुल्ली बैलेंस्ड है मान लीजिए, तो क्यों होगा हैमर ब्लो? हैमर ब्लो तो तभी होगा ना जब आप किसी घटिया ट्रेन में चढ़ेंगे या बहुत अच्छी ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे, दोनों बोल सकते हैं। तो ये हैमर ब्लो होगा, और इसकी जो वेरिएशन होती है, इसकी जो वेरिएशन होगी, ठीक ना, किससे होगी? ये मास जो है आपका यहाँ पे, ये जो मास आ रहा है, जो बैलेंसिंग मास आप लगाए हैं, ठीक ना, ये बैलेंस मास कितना है? बी। और ये डिस्टेंस कितना है? स्मॉल बी, ठीक ना। और वेलोसिटी कितना है आपका? ओमेगा, ठीक ना। और ये एंगल कितने एंगल पे हो रहा है? ये आप मान लीजिए बीटा। तो ये जब आप जाएंगे तो ये वेरी करेगा, ठीक ना। और वेरी कैसे करता है दोस्त? इसको जब आप निकालेंगे तो ऑस्किलेटरी जो है हैमर ब्लो, इस तरह से आपको ये मान लीजिए कि 0 डिग्री हो गया, ठीक ना, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, ये 270, ये 180, 270 और ये 360। ये जो वेरी होगा, ठीक ना, तो ये इसका वेरिएशन कुछ इस तरह से होता है, ठीक ना। दैट मीन्स कि 90 डिग्री पे क्या हो गया, ये जो हो गया, हम तो जस्ट ये फिगर बना रहे हैं, ये 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा यहाँ पे, और फिर ये 270 डिग्री पे मैक्सिमम होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये दो पार्ट पे मैक्सिमम होगा और इधर मिनिमम होगा, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को अब फिर से एक बार समझिए मैथमेटिकली, ठीक है ना, कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स अलोंग द परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन ऑफ स्ट्रोक अलोंग द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड हैमर ब्लो। तो अब इसका हम डेफिनेशन यदि लिखना चाहें तो एक लाइन डेफिनेशन तो लिखने जो है चाहिए अपने को, ठीक है, कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ, मैक्सिमम, और मैक्सिमम कहाँ हो गया? 90 डिग्री पे और 270 पे, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ स्ट्रोक इज कॉल्ड हैमर ब्लो, इज कॉल्ड हैमर ब्लो। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको हैमर ब्लो का एक फीलिंग आया होगा, ठीक ना। ये फीलिंग आनी चाहिए लाइफ में, जब भी कोई काम करते हैं तो फीलिंग आती है ना, तो उससे एक उत्साह, एक लगता है कि हाँ हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बैलेंसिंग मास लगाए इसके चलते हैमर ब्लो हुआ, ठीक है ना। और यदि अनबैलेंस्ड मास नहीं हो तो बैलेंसिंग मास लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये हैमर ब्लो की फीलिंग नहीं आएगी आपको। इसका मतलब कि यदि आप किसी नई ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना, या ट्रेन का वो जो डब्बा है, जिस डब्बे में आप बैठे हैं, डब्बा मतलब नया है, तो आपको हैमर ब्लो की फीलिंग नहीं आएगी, आप चुक जाएंगे। इसलिए यदि हैमर ब्लो की फीलिंग लेनी है तो किसी खटारे डब्बे में बैठिए, खटारे ट्रेन में बैठिए, तो हैमर ब्लो का आप आनंद ले पाएंगे, फीलिंग आप ले पाएंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब ये मत समझिए खटारा बस में बैठेंगे तो फीलिंग आएगी, नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि देयर इज ए फ्लेक्सिबल व्हील, ठीक है। ये फीलिंग सिर्फ ट्रेनों में आती है। तो ये अब निकल गया, और ये आपका जो निकला, ये अब समझ में आ गया कि एक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे होगा और दूसरा 270 डिग्री पे होगा।
और हैमर ब्लो की जो वैल्यू निकलेगी, बताइए कितना निकलेगी, हैमर ब्लो की जो वैल्यू निकलेगी वह कितनी निकलेगी आपकी, बी ओमेगा स्क्वायर बी, क्योंकि ये बी ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा, साइन 90 डिग्री और साइन 270, तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, ठीक है ना, तो ये प्लस और माइनस दोनों होगा, ये प्लस और माइनस दोनों वैल्यू होगा, तो एक जो नेट प्रेशर लगेगा आपको क्या होगा, नेट प्रेशर बिटवीन द व्हील, बिटवीन द व्हील एंड रेल, ठीक है ना, एक जो प्रेशर जो व्हील का मास है जिस कारण जो है ये चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और P प्लस माइनस बी ओमेगा स्क्वायर बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, नेगेटिव आ गया तो ट्रेन ही पलट जाएगी, ठीक है, तो ऐसा होना तो चाहिए नहीं, ठीक है ना, ट्रेन पलटना अच्छी बात तो है नहीं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये पी प्लस माइनस ओमेगा बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है पी प्लस माइनस बी ओमेगा स्क्वायर बी, तो देखिए यहाँ पी प्लस जब बी ओमेगा स्क्वायर बी होगा तब तो कोई चिंता है ही नहीं, दैट मीन्स की प्रेशर नीचे की ओर लग रहा है, सेफ है कंडीशन में है आप, लेकिन पी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर बी जो है, ठीक है ना, यदि लेस देन जीरो हो गया, मतलब ये वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यदि ये निगेटिव आ गया तब क्या होगा, जब निगेटिव आ गया या जब इक्वल टू जीरो आ गया, पी बी ओमेगा स्क्वायर बी जो बैलेंस्ड मास लगाए थे वह जो प्रेशर आ रहा है उसके बराबर हो गया, ठीक ना, तो क्या होगा, ठीक ना, इस कंडीशन में तो हवा में ही रह जाएगा, इस कंडीशन में तो ट्रेन ही पलट जाएगी आपकी, ठीक ना। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यदि अनबैलेंस्ड मास है, ठीक ना, अनबैलेंस्ड मास है तो ये कभी भी ग्रेटर देन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक ना, ये पी माइनस पी जो है मैक्सिमम कंडीशन है कि ये पी इस पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब धीरे धीरे व्हील क्या होगा, रेल से लिफ्ट करने लगेगा, जीरो फोर्स लगेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी होगा तो देयर मे बी डैमेज, ठीक ना, तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या हो सकता है यहाँ पे देखिए, तो यही होगा ना, पी अपन बी बी, ठीक ना, वेयर बी इज दी बैलेंस्ड मास एंड बी इज दी स्मॉल बी इज दी डिस्टेंस, दिस इज दिस ओमेगा इज दी मैक्सिमम परमिसिबल एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील और लोकोमोटिव, ठीक है, अब लोकोमोटिव इंजन, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि इस एंगुलर स्पीड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये प्रेशर आप निकाल सकते हैं इंजन का, ठीक है ना, जो भी रिएक्टिव फोर्स है, और ये बी और बी तो आपको ही यूज करना है, तो इस तरह से यूज करना है कि ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई हो, ये कभी भी निगेटिव ना आए, निगेटिव आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब कि बी ओमेगा स्क्वायर बी जो है हमेशा पी से कम रहे तो ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक ना। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा हैमर ब्लो का, तो वी हैव टू ऑलवेज अवॉइड दी हैमर ब्लो, ठीक ना, क्योंकि हैमर ब्लो यदि अवॉइड नहीं करेंगे तो इट ऑलवेज क्रिएट दी प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे आप देख करके समझ पा रहे होंगे, ठीक ना, आई थिंक कि ये जो व्हील रेल है और ये व्हील है, इस दोनों के बीच का जो फोर्स है, ठीक है ना, ये प्रेशर फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, ये देख भी रहे होंगे आप साइड में, ठीक ना, यदि आप ये देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये हमने दिखाने की कोशिश किया है कि आपका जो है ये जो है आप ध्यान देंगे तो ये वाला जो फोर्स है आप देख पा रहे होंगे, ये तो ये बैलेंस्ड मास है, आप देखिए यहाँ पे ये बैलेंस्ड मास है, ठीक है ना, ये बैलेंस्ड मास आपको दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये जो है आपका कॉन्सेप्ट है हैमर ब्लो का। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ हैमर ब्लो, और इसके बाद जो है
लोकोमोटिव के कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल के बाद जो है कुछ हमारा टॉपिक बचेगा कपल्ड लोकोमोटिव के ऊपर, बैलेंसिंग ऑफ कपल्ड लोकोमोटिव। तो एक चीज़ हम बता दें आपको डायरेक्ट जो है विदाउट गोइंग इन दैट मच डिटेल, कि जब लोकोमोटिव कपल की बात करते हैं ना, तो लोकोमोटिव कपल जो है जब कपलिंग की बात किए थे ठीक है ना, ये पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन आपको बता दिए थे, और ये जब बताए थे ना तो इसमें सिंगल अनकपल्ड और कपल्ड लोकोमोटिव। तो ये जो अभी आपको इंजन हम दिखा रहे थे, तो बैलेंसिंग ऑफ कपल्ड लोकोमोटिव हम लोग पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल आते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट जो है ख़त्म हो चुका है लगभग। अब आज के डेट में ये कॉन्सेप्ट यूज होता नहीं है, इसको हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत कम ही आते हैं, नहीं के बराबर। तो एनी वे दैट इज़ फाइन, बट एट लास्ट बट नॉट लीस्ट आई विल गो थ्रू दी हैमर ब्लो, कि हैमर ब्लो आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और ये लेक्चर नंबर, जैसा कि हमने आपको बताया भी, ये लेक्चर नंबर हमारा जो है ये 155 होगा आई थिंक, हमारा लेक्चर नंबर ये हैमर ब्लो जो है 155 होगा लेक्चर नंबर, तो थ्योरी ऑफ मशीन का। तो इसको आपने समझा, गुना आपने अपने जो है क्लासमेट के साथ शेयर किया इसको, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आई थिंक लेक्चर नंबर 156 होगा, सॉरी ठीक है ना, तो ये लेक्चर नंबर 156 था हमारा हैमर ब्लो का। फिर आगे हम लोग कोई नई टॉपिक नई न्यूमेरिकल के साथ आएंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए।